फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मोटो ई सीरीज के लाइनअप के बारे में, जो कि मोटो E5, E5 प्लस और E5 प्ले है। अगर आपको मोटो जी सीरीज लाइनअप के बारे में जानना है तो इस आई बटन को क्लिक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी जिसमें मैंने मोटो जी सीरीज के सारे स्मार्टफोन मोटो G6 प्लस, G6 प्ले और G6 के बारे में सारी चीज़ बताया है, तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मोटो ई लाइनअप में मोटोरोला ने 3 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। एक तो है मोटो E5 प्लस, एक है मोटो E5 प्ले और एक है मोटो E5। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोटो E5 प्लस के स्पेसिफिकेशन के साथ। तो मोटो E5 प्लस के स्पेसिफिकेशन बात करें तो इसमें 6 इंच का 18:9 रेशियो वाला डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक 720 डिस्प्ले HD डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले नहीं है। उसके बाद आपको इसमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 435 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और आपको इसमें देखने को मिलेगा 3GB रैम और 32GB वाला वेरियंट देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा बैक में, 12 MP बैक कैमरा और 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा, जिसके साथ आपको फ्रंट में भी एक फ्लैश मिलेगा। अगर बैक कैमरा की बात करें तो बैक कैमरा लुक्स वाइज डुअल मेमोरी कैमरा जैसा दिखता है, लेकिन एक कैमरा नहीं है, वो ऑटो फोकस वाला सेंसर है। आपको पिक्चर में दिखा है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप बात करें E5 के बारे में तो E5 में आपको 5.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, और ये भी एक HD डिस्प्ले 720p वाला, और ये भी एक 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है। और इस ये फ़ोन आता है स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर के साथ, और इसका दो वेरियंट आएगा, 2GB रैम 16GB इंटरनल मेमोरी, और एक और वेरियंट आएगा 3GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी वाला। और अगर बैटरी की बात किया जाए तो ये 4000 mAh बैटरी के साथ आएगा। और एक और बात, मोटो E5 प्लस में आपको मिलेगा 5000 mAh का बैटरी, और E5 में आपको देखने को मिलेगा 4000 mAh की बैटरी। अगर E5 प्ले की बात किया जाए तो इसमें 5.2 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और ये भी एक 720 डिस्प्ले, बट ये एक 16:9 रेशियो एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले, 18:9 रेशियो नहीं है। और उसके साथ इसमें आपको स्नैपड्रैगन 425 या फिर स्नैपड्रैगन 427, डिपेंड करेगा कौन से रीजन में फ़ोन लॉन्च करते हैं, उसी के हिसाब से ये प्रोसेसर अवेलेबल होगा। उसके बाद आपको इसमें 2800 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको बैक में 8 MP का कैमरा और फ्रंट में 5 MP का कैमरा देखने को मिलेगा विथ फ्लैश। ये तीनों ही फोन एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेंगे। उसके साथ ही साथ आपको तीनों के तीनों फोन में बैक में ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। तो यही था कुछ अपडेट मोटो ई लाइनअप के बारे में। अगर आप देखें तो मोटो E5, E5 प्लस, उसके साथ साथ मोटो जी, मोटो G6, G6 प्लस, G6 प्ले, तो ये 6 स्मार्टफोन बहुत ही कम है। तो ये एक्चुअली बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो मेरे हिसाब से अगर 6 के 6 फोन की बात करें तो मोटो G6 प्लस सबसे बेहतर है, और इस मोटो लाइनअप में मोटो E5 प्लस सबसे बेहतर है। तो यही था कुछ अपडेट मोटो ई लाइनअप के बारे में। तो आपको मोटो जी लाइनअप के बारे में जानना है तो आई बटन में जाकर क्लिक करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, जाके आप चेक कर दीजिए उस वीडियो को। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।